एपिसोड की शुरुआत में मंगू और चोयू एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं क्योंकि बाकी गेम रिपर्स उनके पीछे पड़ चुके हैं, जिसके बाद मंगू चोयू को समझाता है कि वह यहाँ पे रुककर उन गेम रिपर्स को रोकता है तब तक चोयू यहाँ से निकल जाए। अब चोयू के जाने के बाद मंगू उन गेम रिपर्स के पास खुद जाता है और उन्हें कहता है कि अगर वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मंगू उनसे लड़ने लगेगा। तभी वो लेडी गेम रिपर उसे कहती है कि मंगू गलत रास्ता चुन रहा है, उसने जैसा वादा किया उसे अपना वादा निभाना चाहिए। लेकिन मंगू उसे कहता है कि वो अपना वादा नहीं निभा सकता क्योंकि उसे बहुत सालों के बाद उसका परिवार मिला है जो कि उसका बेटा है और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। तब वो लेडी गेम रिपर उसे कहती है कि अगर मंगू तैयार नहीं है तो उन्हें अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के जब आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे चोयू जो कि भागकर एक दुकान में पहुंचता है तभी पीछे से एक ग्रीम रीपर चला आता है। अब उसे देखने के बाद चोयू डर जाता है लेकिन वो ग्रीम रीपर उसके ऊपर अपने शक्तियों का यूज करने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चोयू इंसान बन चुका है और इसलिए वो उसे नहीं मार सकता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब चोयू यह सुनकर हैरान होता है और अपनी शक्तियों को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी दरवाजा उसकी शक्तियों से नहीं खुलती है। और तभी उसे याद आता है कि जब उसके डैड ने उसे हाथ मिलाया था तब उसके डैड ने सारी शक्तियाँ छीन ली थी, जिसके बाद चोयू समझ जाता है कि उसके डैड अब लौट के नहीं आएंगे और वो वहाँ पे रोने लगता है। वहीं पे हम लोग मंगू को देखते हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से घायल है और बाकी गेम रिपर्स वहीं पे बेहोश पड़े हुए हैं। तभी वो लेडीज गेम रिपर उसके तरफ आगे बढ़ती है और उसे माफ करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे अपनी शक्तियों से न चाहते हुए भी नष्ट कर देती है। वहीं पे हम लोग गॉड को देखते हैं जो कि यश सभी अपने मोबाइल पे देख रहे थे और उन्हें यश सभी देखने का बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वे अपने दूसरे गेम रिपर को कहते हैं कि वह जल्द से जल्द जाके जुनवू और सीना को पकड़े। जब वे सभी गेम रिपर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है जो कि गलती से उन्हें गेम रिपर्स के ऊपर पानी फेंक देता है और उनसे कहता है कि सुबह सुबह वे लोग भीख मांगने क्यों चले आए, उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। और वो बूढ़ा आदमी इतना कहने के बाद अंदर चला जाता है। वहीं पे हम लोग जुनवू और सीना को देखते हैं जो कि घर के अंदर बैठे हुए हैं। तभी अचानक से उन्हें चोयू का कॉल आता है जो कि उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहता है। वहीं पे गेम रिपर्स गॉड के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे लोग उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उसकी शक्तियां वहां पे काम करती है। अब ये सुनने के बाद उस गॉड को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो खुद ही वहां पे जाता है और वो वहां पे दरवाजा थकथकाता भी है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसलिए वो अपनी शक्तियों का यूज करके उसे तोड़ नहीं वाला था। तभी वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसे यहाँ पे डोरबेल नहीं दिखाई देती, उसे कम से कम वो डोरबेल बजानी चाहिए थी। अब गॉड उस डोरबेल को बजाने लगता है और कहता है कि यह डोरबेल बजाने के लिए बहुत ही छोटा है, उसे बहुत बड़ा डोरबेल लगाना चाहिए था। अब वो बूढ़ा आदमी गॉड को लेकर घर के अंदर जाता है जहाँ पे वह गॉड चारों बगल नजरें घुमाकर जुनवू और चोयू को खोजता है। तब वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वे दोनों यहाँ पे नहीं है, वे दोनों थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं, जिसके बाद वह गॉड अपनी शक्तियों का यूज करता है और उस बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, जिसके बाद उसका कोई भी शरीर या फिर कुछ भी अंग काम नहीं करता है। अब वो गॉड अपने बाकी गेम रिपर्स को जल्द से जल्द जाकर जुनवू और सीना को पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह ज्यादा देर तक बूढ़े आदमी को पॉज करके नहीं रख सकता है। दूसरी तरफ जुनवू और सीन चोयू के पास पहुंचते हैं जहां पे चोयू उन्हें बताता है कि वे गेम रिपर्स कभी भी किसी इंसान को नहीं पकड़ सकते क्योंकि चोयू के पास अब कोई भी शक्तियां नहीं है, इसलिए वे चाहकर भी चोयू को नहीं पकड़ सकते और उसे नष्ट नहीं कर सकते। तब जुनवू यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि सीना भी एक आम लड़की है और वे गेम रिपर्स सीना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी पीछे से गेम रिपर्स चले आते हैं और अचानक से वे लोग सीना और जुनवू को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो लेडी गेम रिपर्स सीना की जब आगे बढ़ती है और उसके बाद अपनी शक्तियों का यूज करने की कोशिश करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जुनवू के अंदर से अचानक से उससे गेम रिपर्स की शक्तियाँ चली आती है और उसी वक्त हमें सीन कट कर दिया जाता है जहाँ पे हम लोग गॉड और उस बूढ़ा आदमी को देखते हैं। अब गॉड की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी पॉज से बाहर निकलता है और वह सब कुछ समझ जाता है और वह कहता है कि अगर बाकी गेम रिपर्स जुनवू और सीना को पकड़ने चले गए हैं तो उसे कम से कम उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब गॉड हैरान होकर पूछते हैं कि उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसे एक कहानी बताता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब सीना पिछले जन्म में एक आम लड़की थी तब जुनवू एक गेम रिपर था जो कि उससे प्यार करता था और उसने कभी भी सीना को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया था। अब एक दिन जब जुनवू उनके पास आया तब वे जुनवू को एक पानी पीने के लिए देते हैं। अब जब जुनवू उस पानी को पी लेता है तभी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है जो कि कुछ समय के लिए काम नहीं करती। अब जुनवू यह देख के हैरान होता है, तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है
कि उन्होंने यह जानबूझे किया है, क्योंकि वे अभी जाकर सीना को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि उसके पास समय रोकने की शक्तियाँ हैं। तब जुनवू कहता है कि वह यह सब जानबूझे करना चाहते हैं क्योंकि जुनवू एक ग्रीम रीपर होने के बावजूद भी एक आम लड़की सीना से प्यार करता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि एक ग्रीम रीपर किसी भी लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन उसके पास समय रोकने की शक्तियाँ हैं, इसलिए वे लोग मजबूर है और उसने अपनी शक्तियों का यूज किया है, इसलिए वे लोग उसे जाके अभी नष्ट करने वाले हैं। तब जुनवू गिड़गिड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग नहीं सुनते। अब थोड़ी देर के बाद वह गॉड सीना के पास पहुंचता है, जहां पे वो उसे नष्ट करने ही वाला होता है। तभी उधर से जुनवू चला आता है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी से समझाता है कि वे भी मजबूर है और वो अपना ड्यूटी कर रहा है, जिसके बाद वो अचानक से सीना को ऊपर शक्ति का यूज करके उसे नष्ट कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो सीना के हाथ में ब्रेसलेट था वह नीचे गिर जाता है और वो चमकने लगता है, जैसे कि उसके अंदर सीना की शक्ति का कुछ अंश चला गया हो। अब यह देखने के बाद जुनवू तो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वह उस बूढ़े आदमी से कहने लगता है कि उन्होंने सीना को नष्ट कर दिया है, तो जुनवू इस दुनिया में रहकर क्या करेगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी से बहुत समझाता है, लेकिन जुनवू नहीं मानता। अब वो बूढ़ा आदमी को उसके ऊपर दया चले आती है। कहानी परिसेंट में आती है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी गॉड को यह सभी कहानी कह रहा था और वो कहता है कि उस दिन से, और वे आगे कहते हैं कि उस दिन से आज तक वे जुनवू के सारी याददाश्त को मिटाते आए हैं, ताकि एक दिन जुनवू सीन से मिल सके। लेकिन अब गॉड जानबूझ के जुनवू के रास्ते में आ रहे हैं। तभी उस गॉड को अचानक से आभास होता है कि वहाँ पे उसके बाकी गेम रिवर्स खतरे में है। अब यह आभास होने के बाद वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है कि जुनवू सभी गेम रिवर्स को एक ही करके नष्ट कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी गेम रिवर्स की शक्तियों को पहचान लिया है। तभी वो गॉड अचानक से अपनी शक्तियों से जुनवू को वहीं पे बेहोश कर देते हैं और वो जुनवू को अपनी शक्तियों का यूज करके नष्ट करने ही वाले थे। तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी आके उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक वह जिंदा है तब तक गॉड को यह काम नहीं करने देंगे। अब यह सुनने के बाद गॉड बूढ़े आदमी से कहता है कि वो चाहे जितना भी जुनवू को बचाने की कोशिश करे, एक न एक दिन जुनवू को नष्ट कर देंगे। और इतना कहने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब जुनवू को होश आता है, तब उसे सब कुछ याद आ चुका था कि किस प्रकार से पिछले जन्म में वह सीना से प्यार करता था, जिसके बाद वह सीना को बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं पे हम लोग गॉड को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वे कहते हैं कि इस बार वे जुनवू को नहीं छोड़ेंगे, वे एक ही बार में जुनवू को नष्ट कर देंगे और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, इसके फाइनल पार्ट यानी कि 12वें एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मैं कल रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।